नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां देते हैं अपने तीन सेगमेंट्स के जरिए, जो कि है विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। इन तीनों ही सेगमेंट्स में होती हैं कुछ ऐसी खास जानकारियां जो कि आपके लिए काफी लाभदायक साबित हो सकती हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान से। किसान भाइयों बहनों, जहां संकट है वहां समाधान भी है, और हमारे जो किसान भाई बहन हैं वो हर समस्या में से समाधान निकाल ही लाते हैं। ऐसे ही कुछ संकट की घड़ी आन पड़ी थी महाराष्ट्र के वासिम जिले के किसानों पर, लेकिन वहां पर एक FPO यानी कि किसान उत्पादक संगठन ने एक ऐसा सुझाव सजाया कि हमारे जो किसानों की समस्या है उनका तुरंत ही समाधान हो गया। महाराष्ट्र का वाशिम जिला कृषि गतिविधियों के लिए जाना जाता है। यहाँ की 9,85,000 ग्रामीण आबादी में से 3,85,000 लोग कृषि से जुड़े हैं। कुल जोत का 22% रकबा सीमांत किसानों के पास है, जबकि 37% छोटे किसानों के पास। जिले के छोटे और सीमांत किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और ये उत्पादन तकनीक और मूल्यवर्धन जैसी सुविधाएं अपनाने में सक्षम नहीं है। इसके अलावा इनके पास अपनी फसल की सही मार्केटिंग की क्षमता भी नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए नीति आयोग ने वाशिम को आकांक्षी जिलों में शामिल किया है। आकांक्षी जिलों में ऐसे जनपदों को रखा जाता है जिनमें तुरंत और कारगर सुधार की जरूरत हो। वाशिम कृषि विज्ञान केंद्र भी जिले के किसानों का उद्धार करने की कोशिश कर रहा है। उसने 2016 में ऋषिवत फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी लिमिटेड की स्थापना की है। वाशिम कृषि विज्ञान केंद्र ने जिले के बहुत से गांवों को गोद लिया और क्लस्टर बनाकर उनमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर क्लब स्थापित किए। जल्द ही ऋषिवत कंपनी से 750 किसान जुड़ गए। जिले के किसानों के सामने कई चुनौतियां थी, जैसे अच्छे और उन्नत बीजों की कमी, उन्नत तकनीक की जानकारी का अभाव और समय पर कृषि सामग्री न मिल पाना। इसके अलावा प्रसार और मार्केटिंग जैसी सेवाओं से भी ये अनजान थे। इन चुनौतियों से निपटने के लिए ऋषिवत किसान उत्पादक संगठन ने इलाके की प्रमुख फसलों के बीज उत्पादन का फैसला लिया। इन बीजों को किसानों ने न सिर्फ अपने खेतों में इस्तेमाल किया बल्कि दूसरे किसानों को भी बेचा। मान्यता प्राप्त और उन्नत किस्म उगाने से ऋषिवत किसान उत्पादक संगठन को काफी आर्थिक लाभ मिला। साथ ही बाजार, तकनीक और उन्नत कृषि सामग्री के अभाव की समाप्ति हो गई। क्योंकि 750 किसान मिलकर खेती कर रहे थे, इसीलिए अब उनमें मोल भाव करने की क्षमता विकसित हो गई थी। ये किसान अपनी उपज का पहले से बेहतर भाव पाने लगे। कुल लाभ का 50% हिस्सा किसानों को दिया जाता, 10% संचालन कार्यों पर खर्च हुआ और बाकी का 40% गुणवत्ता सुधार और बुनियादी ढांचा मजबूत करने में लगा दिया गया। ऋषिवत कृषक उत्पादक संगठन कारोबार के अलावा दूसरे किसानों को प्रशिक्षण भी दे रहा है। अब तक 3,000 से भी अधिक किसान यहां से प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। ऋषिवत किसान उत्पादक संगठन के बीजों की मांग लगातार बढ़ रही है। अब दूर दूर के किसान भी इनसे बीज लेने के लिए आ रहे हैं। इस मांग को पूरा करने के लिए कंपनी ने किसानों के घर तक बीज पहुँचाने की सुविधा शुरू की है। खरीदार किसानों को भी घर की दहलीज पर उन्नत बीज मिल जाता है, वो भी समय पर। इस कंपनी ने मृदा परीक्षण सेवा भी शुरू की है। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा किसान ऋषिवत किसान उत्पादक संगठन से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी आपने देखा सेगमेंट विज्ञान और किसान। अब आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और एक नजर डाल लेते हैं आज के कृषि कैलेंडर पर। पालक, धनिया और मेथी जैसी पत्तेदार सब्जियों की बुआई के लिए ये समय अनुकूल है। इनमें पत्तियों की बढ़वार के लिए 20 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करें। इसके अलावा गोभी वर्गीय सब्जियों की फसल में निराई गुड़ाई का कार्य करें। ये मौसम तैयार बंद गोभी, फूल गोभी और गांठ गोभी की रोपाई के लिए अनुकूल है। तो इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो।
क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ, ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं, और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-1801551 पर कॉल करें और लॉग इन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। किसान भाइयों बहनों, अपने आज के कृषि स्टार्टअप सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित श्री सुभाष पालेकर जी से, जिन्होंने हमारे किसानों को जीरो बजट खेती के गुर सुझाए हैं। क्योंकि एक समय ऐसा था जब फसलों का ज़्यादा उत्पादन प्राप्त करने के लिए लगातार रसायनों का प्रयोग जो है हमारे किसान खेती में करते थे, उससे हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी नष्ट होती थी और साथ ही साथ फसलों का उत्पादन भी धीरे धीरे कम होने लगा, और वो जो नुकसान होता था कीटनाशक डालने से वो मनुष्य की सेहत पर भी बुरा असर डालने लगा। तो वहीं सुभाष पालेकर जी ने जीरो बजट खेती के सुझाव हमारे किसानों को सुझाए और किस तरह से ये उनके लिए लाभकारी साबित हुआ, आइए देखते हैं। सुभाष पालेकर एक भारतीय कृषक एवं कृषि विशेषज्ञ हैं। इन्होंने शून्य बजट प्राकृतिक कृषि का आविष्कार किया और ऐसी तकनीक विकसित की है जिसमें कृषि करने के लिए किसी भी रासायनिक कीटनाशक का उपयोग नहीं किया जाता और ना ही बाजार से अन्य औषधियां खरीदने की आवश्यकता पड़ती है। इन्होंने भारत में इस विषय पर कई कार्यशालाओं का आयोजन किया है। सुभाष पालेकर का जन्म वर्ष 1949 में भारत में महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में बेलोरा नाम के एक छोटे से गांव में हुआ था। इन्होंने नागपुर से कृषि विषय में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। कॉलेज की शिक्षा के दौरान वह सतपुड़ा आदिवासी क्षेत्र में जाकर उनकी समस्याओं के बारे में आदिवासियों के साथ काम किया। पढ़ाई के बाद वर्ष 1972 में वे अपने पिता के साथ कृषि करने लगे। उनके पिता एक किसान थे, लेकिन कॉलेज में रासायनिक कृषि सीखने के बाद इन्होंने भी रासायनिक कृषि करना शुरू किया। वर्ष 1986 से 88 के दौरान सुभाष पालेकर ने जंगली वनस्पतियों का अध्ययन करना शुरू किया। तब इन्होंने पाया कि जंगलों में एक स्व विकसित, स्व पोषित और पूरी तरह से आत्मनिर्भर प्राकृतिक व्यवस्था विद्यमान है। जंगलों में एक पारिस्थितिकी तंत्र है जिस पर वनस्पतियों का विकास होता है। उन्होंने प्राकृतिक व्यवस्था का अध्ययन किया। वर्ष 1989 से 1995 के दौरान जंगल की उन प्राकृतिक प्रक्रियाओं का अपने खेत पर परीक्षण कर देखा। इन 6 वर्षों के शोध के कार्य के दौरान उन्होंने 154 अनुसंधान परियोजनाएं पूर्ण की। इसके बाद सुभाष पालेकर ने शून्य बजट प्राकृतिक कृषि की तकनीक आरंभ की, जिसका प्रचार उन्होंने कार्यशालाओं, सेमिनार के माध्यम से किया और इस विषय पर मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल भाषाओं में अपनी पुस्तकें लिखी और भारत भर में किसानों के द्वारा स्थापित कृषि के हजारों मॉडल भी विकसित किए। सुभाष पालेकर का अधिकतर समय किसानों के प्रशिक्षण शिविर में बीतता है। यह किसानों को निशुल्क कृषि प्रशिक्षण भी देते हैं। पिछले 20 सालों से लगातार शून्य लागत प्राकृतिक कृषि की खेती का प्रशिक्षण देने सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जाते रहे हैं। आज इस पद्धति को अपनाकर लाखों को बिना लागत के खेती से अपनी आय बढ़ाते हुए मुनाफा कमा रहे हैं। सुभाष पालेकर ने शून्य बजट प्राकृतिक कृषि को विकसित कर कृषि के क्षेत्र में काफी बड़ा योगदान दिया है। इनके इस प्रयास से खेती की नई दिशा तो मिली ही है, साथ ही इन्होंने किसानों को भी प्रोत्साहित किया है। प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देकर इन्होंने कृषि को और भी मजबूती दी है, साथ ही किसानों को कम लागत में अधिक मुनाफा देने वाले रास्ते से भी अवगत कराया है, जिसके फलस्वरूप किसान अपनी आय दुगनी करने में भी सफलता हासिल कर सकेंगे।
और अब समय हो चला है शामिल करने का हमारे किसानों के कृषि से जुड़े सवाल और कृषि वैज्ञानिकों के जवाब। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बरखा चौरसिया और आप देख रहे हैं कृषि दर्शन कार्यक्रम। एक बार फिर मैं हाजिर हूं बहुत सारे सवालों के साथ, किसानों के सवाल और विशेषज्ञों की राय की। तो चलिए सबसे पहले हम प्रश्न ले लेते हैं बरेली उत्तर प्रदेश से शांति स्वरूप जी का। सर, गन्ना में समस्या है, इसके लिए किसान क्या करें? देखिए, ये जो प्रश्न है बड़ा विस्तृत है, कुछ स्पष्ट नहीं मालूम है कि किस तरह की समस्या की बात कर रहे हैं, लेकिन एक बात मुझे लगता है, बरेली के किसान गन्ने की ज़्यादा उत्पादन करते हैं, उत्पादकता वहाँ पे कम नहीं है और उसको और बढ़ाने की ज़रूरत है, मैं ऐसा समझता हूँ। और उसके लिए ज़रूरी ये है कि गन्ना तो उत्पादन करते ही हैं, यदि गन्ने में सह फसली खेती करने की शुरुआत यदि करते हैं, बहुत सारे किसान कर भी रहे हैं, हो सकता आप भी कर रहे हों, तो उससे आप देखेंगे कि एक हेक्टेयर से जो गन्ने से उत्पादन होता है उसके अतिरिक्त और भी फसलों का उत्पादन आप कर पाएंगे। और जो हमारे सामने जो वैज्ञानिक पहले से जो संस्तुतियाँ हैं, यदि अक्टूबर के महीने में गन्ना लगाते हैं तो उसमें मुख्य रूप से आप सरसों की, आलू की और कई दलहनों की भी खेती की जा सकती है, ऐसे प्रयोग पहले हुए हैं और बड़ी सफलता से किसान उसमें लाभ कमा लेते हैं। तो दोनों फसलें आप देखेंगे पूर्ण रूप से उतना ही लाभ देती हैं यदि अकेले उस फसल की खेती करते हैं। तो मैं यही सुझाव दूंगा कि पहले तो प्रति हेक्टेयर ज़्यादा लाभ हो, इसके लिए सह फसली खेती करें। दूसरा, कुछ बीमारियां लगती हैं गन्ने में, तो कुछ बीमारियों के लिए तो रोग रोधी प्रजातियाँ पहले से विकसित हैं, तो उन प्रजातियों को लेकर के आएँ और जो गन्ना अनुसंधान संस्थान अपना लखनऊ में है वहाँ के वैज्ञानिकों से बात करें, जो स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र है उसे भी बात करें और जो शाहजहाँपुर भी गन्ने का एक संस्थान है वहाँ से भी बात करके आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, अपनी समस्याओं का निदान पा सकते हैं। तो मेरा यही अनुरोध रहेगा कि आपका स्पष्ट प्रश्न नहीं है कि आपको बीमारी गन्ने में लगती है या उत्पादन कम होता है। एक और समस्या है जो कि गन्ने को मिल तक पहुँचाने की भी किसान भाई बराबर कहते हैं और उसके लिए भी किसान भाई ही इसका इलाज जानते हैं कि कैसे हो पाएगा। एक और जो प्रसंस्करण की बात आजकल बड़ा जोरों से चलती है, तो गन्ने में जो गुड़ बनता है वो छोटे आव रूप में छोटे छोटे चौकोर टुकड़े में बना करके बेचने की भी की मशीन जो हमारा गन्ना संस्थान है उसने बनाया है और उस गुड़ को लंबे समय तक रखा भी जा सकता है। कोई आप कह सकते हैं रासायनिक उसमें वस्तुएं भी नहीं डाली जाती हैं गुड़ बनाने के लिए। तो ये टेक्नोलॉजी है जो कि किसान अपनाकर गन्ने से ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं, प्रसंस्करण के द्वारा भी और प्रति हेक्टेयर ज़्यादा उत्पादन लेकर के भी। सर, इतनी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो शांति जी, आशा करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए लाभकारी होगी। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, बहुत बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर रास को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ, तभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉयल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। किसान भाइयों बहनों के हितों के लिए हमारी सरकार लगातार नित नए प्रयास करती रहती है और हाल ही में 3 नए कृषि कानून भी सरकार जो है वो लेकर आई है। किस तरह से ये कानून हमारे किसान भाइयों बहनों के लिए लाभकारी हो सकते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा सुधार ला सकते हैं, आइए जानते हैं इन कृषि कानूनों के बारे में विस्तार से।
कृषि में कई अहम सुधार करने के लिए सरकार ने उपज बिक्री की व्यवस्था में कई जरूरी बदलाव किए हैं। इस दिशा में सरकार ने कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020 लागू किया है। इस अधिनियम के लागू हो जाने से अब किसान उपज से खाद्य उत्पाद बनाने वाले प्रोसेसर्स, व्यवसायिक कंपनियां, थोक और फुटकर विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ कृषि उपज की बिक्री के लिए सीधे करार या व्यवसायिक समझौता कर सकेंगे। करार हो जाने के बाद फसल की अच्छी पैदावार के लिए जरूरी साधन या इनपुट्स उपलब्ध कराने की पूरी जिम्मेदारी खरीदार की होगी। अधिनियम के लागू हो जाने से अब पैदावार के दौरान फसल पर किसान का मालिकाना हक बना रहेगा। वहीं किसानों को उपज की बिक्री पर होने वाला खर्च भी नहीं देना पड़ेगा, यानी किसानों के मुनाफे में पहले के मुकाबले खासी बढ़त होगी। फसल का बीमा तो कराया ही जाएगा, साथ ही जरूरत होने पर किसान वित्तीय संस्थानों से कर्ज भी ले सकेंगे। इतना ही नहीं, किसानों को मौसम के जोखिम और बाजार के उतार चढ़ाव से भी सुरक्षा मिलेगी। ये अधिनियम अनुबंधित किसानों को नियमित और समय पर भुगतान की सुविधा भी देता है। जाहिर है कि कृषि में हुए इन सुधारों से किसान काफी फायदे में रहेंगे। की वजह से दो चीजें होंगी। नंबर एक, सबसे पहले तो जो स्टोरेज और सप्लाई चेन है उसमें इन्वेस्टमेंट आएगा, जिससे कि अब लोग जो हैं, कोई भी चीज़ तुरंत अगर पैदा होती है तो उसको तुरंत बेचने की उसे जल्दी नहीं होगी। वो पूरे साल उस सामान को बेच सकता है, उसको स्टॉक कर सकता है, सप्लाई चेन पूरी बनेगी। तो वेयरहाउसेज, कोल्ड स्टोरेज, एटमॉस्फेरिक कंट्रोल स्टोरेजेज, इन सब में इन्वेस्टमेंट आएगा और इससे प्राइस जो है वो पूरे साल इक्वलाइज होंगे। तो जो प्राइस में सीजनल फ्लक्चुएशंस होते थे वो ख़त्म होंगे। इन सब चीज़ों के आने में कुछ समय लगेगा, क्योंकि इसके लिए एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है, इसके लिए एक नई व्यवस्था बननी है, लेकिन उसकी नींव पड़ गई है इन कानूनों से और बहुत जल्दी इसका फार्मर को भी और कंज्यूमर को भी, दोनों को फ़ायदा होगा। और अब आइए आपको जानकारी देते हैं एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में। कृषि क्षेत्र के लिए अवसंरचना यानी बुनियादी ढांचा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आंकड़े बताते हैं 15-20% उपज खरीदार तक पहुंचने से पहले ही बर्बाद हो जाती है। बर्बादी के बड़े कारणों में भंडारण की सही व्यवस्था का अभाव और प्रसंस्करण इकाइयों की कमी है। कृषि अवसंरचना जितनी मजबूत होगी, बर्बादी उतनी ही कम होगी। 1,00,000 करोड़ की धनराशि ग्रामीण क्षेत्रों में भंडार ग्रहों, शीत ग्रहों, पैक हाउस के निर्माण और उनके विकास के अलावा बाजार व्यवस्था को दुरुस्त करने पर खर्च होगी। इसके साथ साथ प्रसंस्करण इकाइयां, निजी उद्यम, किसान उत्पादक संगठन और प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, विपणन सहकारी समितियां भी इसका लाभ ले सकती हैं। साथ ही संयुक्त देयता समूह, बहुउद्देशीय सहकारी समितियां, कृषि उद्यमी, स्टार्टअप और संग्रहित अवसंरचना प्रदाता भी इसके हकदार होंगे। केंद्रीय एजेंसियां, राज्य एजेंसियां या स्थानीय निकायों की ओर से प्रायोजित सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाएं भी इस योजना का हिस्सा बन सकती हैं। कृषि अवसंरचना कोष असल में मध्यम या लंबी अवधि के ऋण की सुविधा प्रदान करता है। खास बात ये है कि सभी तरह के ऋणों में हर साल 2 करोड़ रुपए की सीमा तक ब्याज में 3% की छूट दी जाएगी। ये छूट अधिकतम 7 साल के लिए होगी। इसके अलावा 2 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज भी उपलब्ध होगा। पुनर्भुगतान के लिए ऋण स्थगन कम से कम 6 महीने और ज्यादा से ज्यादा 2 साल के लिए हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि खेती और कृषि प्रसंस्करण आधारित गतिविधियों के लिए औपचारिक ऋण सुविधा ग्रामीण इलाकों में रोजगार के कई अवसर उत्पन्न करेगी। अब आइए बढ़ते हैं आगे और आपको जानकारी देते हैं किस तरह से स्वस्थ धरा पर आप खेती करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना, मध्य प्रदेश में। आज हम आपको बताएंगे बेड प्लांटिंग के बारे में। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, डॉक्टर संदीप सिंह जी, जो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। सर, बेड प्लांटिंग क्या है?
बेड प्लांटिंग में जैसा कि किसान भाई आप देख रहे हैं कि ये सबसे सर्वोपयुक्त विधि मानी गई है बुवाई के लिए, क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि जो भी फसल की बुवाई करते हैं और विशेष करके जो ज़्यादा उपयोगी है वो दलहनी और तिलहनी फसलों के लिए विधि उपयोगी है। अब इसके साथ हमने गेहूँ की फसल को भी देखा है, क्योंकि यहाँ पर भारत सरकार का जो ICAR है वहाँ की सिंचाई जल प्रबंध परियोजना यहाँ पर संचालित है। उस परियोजना के तहत हम देख रहे हैं कि इन फसलों में जो काम कर रहे हैं आपका गेहूं है, सरसों है, चना है, तो इसमें बेड प्लांटिंग तकनीकी में जो बुवाई की जाती है, चाहे वो आपकी सरसों हो, गेहूं हो, चना हो, उसमें बेड पर बुवाई करते हैं। इससे क्या होता है कि जो बेड के बाद एक कुंड बनता है, नाली बनती है, इसमें किसान भाई जब भी सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है तो उस केवल कुंड में ही हम पानी लगाते हैं और फसल जो हमारी बेड के ऊपर बुवाई की जाती है, इसलिए हम इसको बेड प्लांटिंग तकनीकी कहते हैं। अब फायदे की बात करें तो हम देखते हैं किसान भाई, जो हमारा मेन उद्देश्य तो इस समय सिंचाई के जल की बचत है, क्योंकि सभी कह रहे हैं कि हमारा, चाहे वो आगे होने वाला विशुद्ध की बात हो, सिंचाई की एक एक बूंद, हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि एक बूंद से भी ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेना है, तो उसकी दृष्टि से हम पानी की बचत करते हैं। और इस पानी की बचत में सबसे पहले जो सिंचाई करते हैं वो केवल कूड़ में करते हैं। सामान्यतः किसान जो समतल खेत में सिंचाई करता है उसकी तुलना में इसमें 30-40% तक पानी की बचत होती है, क्योंकि पानी केवल कुंड में ही लगाया जाता है। इससे अब फायदे की बात करें तो फसल जो भी इसके द्वारा बोते हैं तो पर्याप्त मात्रा में उसको प्रकाश और हवा मिलता है, क्योंकि कुंड की जो जगह दिखती है किसान को, सामान्य तौर पर जब बुवाई होती है तो किसान कहता है साहब इसमें तो जगह ज़्यादा दिख रही है, नहीं, परंतु कोई भी फसल हो जैसे गेहूं है तो उसमें अधिक संख्या में कल्ले निकलेंगे, उन अधिक कल्लों से ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बाली निकलेंगी और उत्पादन है वो अच्छा मिलता है, क्योंकि जो कल्ले निकलते हैं पर्याप्त प्रकाश और हवा मिलने से उनमें बाली की लंबाई और दाना चमकदार और बड़ा बनता है। तो विशेषकर हम यहाँ पर बीज उत्पादन का केंद्र है तो इसमें भी इसका लाभ हो रहा है, हमें देख रहे हैं कि अच्छी गुणवत्ता का बीज मिलता है। तो देखें, सामान्यतः किसान भाई जो आप खेत की तैयारी करते हैं उस तैयारी करने के बाद जो बेड प्लांटिंग तकनीकी है इसके लिए कोई अलग से ज़रूरत नहीं है, जो हमारी मशीन है उसमें रिज फरो जो बेड है वो बनाती है मशीन, और उस बेड के ऊपर 2 या 3 या एक लाइन जो फसल है, जिस फसल में ज़्यादा आवश्यकता है लाइन से लाइन की दूरी, वहाँ पर हम 1 या 2 कुंड बो सकते हैं। जिनमें कम आवश्यकता जैसे गेहूं है तो यहाँ पर एक बेड पे हमने 3 लाइनें बोई हैं, चने में 2 लाइन बोते हैं, इसी तरह से सरसों में भी 2 लाइन एक बेड पे बोते हैं, तो हम मशीन के द्वारा बुवाई कर लेते हैं, इसमें अलग से कोई भी आवश्यकता नहीं है। और इस मशीन में ये भी सुविधा है किसान भाइयों के लिए, खाद और बीज दोनों की बुवाई साथ साथ होती है, जिससे खाद की उपयोगिता है, दक्षता जिसे कहा जाए उर्वरक की, वो भी ज़्यादा होती है, क्योंकि सामान्यतः किसान भाई या तो छिड़क के बोते हैं या मशीन से पहले बो देंगे उसके बाद फिर बीज की बुवाई करेंगे, नहीं, परंतु ये बेड प्लांटिंग तकनीक से खाद और बीज अलग अलग बॉक्स होते हैं इस मशीन में, साथ में बुवाई करते हैं, उर्वरक हमेशा बीज से 1 इंच नीचे बुवाई होता है, तो जिससे कि उसका सही से सद उपयोग हो जाता है और फसल अच्छी होती है और जो पैसा किसान उपयोग करता है उसकी बचत होती है। जो भी किसान भाई इस दूरदर्शन के माध्यम से सुन रहे हैं तो मुरैना में जो आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र है यहाँ पर आएँ और हमसे आके संपर्क भी कर सकते हैं। आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना AV रोड से मैं डॉक्टर संदीप सिंह तोमर 9410890472। तो वो कभी भी इस तकनीकी के लिए हमसे संपर्क करें। हम जो हमारे आसपास के किसान हैं यदि वो अपने खर्चे पे मशीन को ले जा सकते हैं और वापस ला के रख सकते हैं तो हम यहाँ से उनको मशीन भी उपलब्ध कराते हैं। किसान भाइयों बहनों, आपकी सहूलियत के लिए जिससे कि आपको खेती किसानी से जुड़ी जानकारी आपके मोबाइल पर ही मिल जाए, एक ऐप जो है वो बनाई गई है, आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। कौन सी है वो ऐप और किस तरह से आपने इसे डाउनलोड करके इससे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं, आइए बताते हैं कार्यक्रम के इस भाग में। ग्रामीण इलाकों और किसानों तक कृषि संबंधी जानकारी पहुंचाने के लिए विकसित किया गया है। यह किसानों को कृषि विशेषज्ञों के साथ जुड़ने और खेती से संबंधित प्रश्न पूछने के लिए सक्षम बनाता है। यह किसानों को फसल उत्पादन और प्रौद्योगिकियों के बारे में शिक्षित करने और विपणन के बाद फसल से संबंधित मुद्दों में मदद करता है। इसका उपयोग पशुधन उत्पादन प्रबंधन और मशरूम, मधुमक्खी पालन इत्यादि जैसे विभिन्न आर्थिक उद्यमों को लेने के लिए किया जा सकता है। उपयोगकर्ता कटाई, खेतों की फसलों और सब्जियों और पशु चारा से संबंधित जानकारी और चित्र अपलोड कर सकते हैं। और अब आइए आपको मौसम के लिहाज से खेती की कुछ खास बातें बता दें। 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं शीतलहर के आसार हैं। आज और कल उत्तरी राजस्थान में कुछ स्थानों पर चलेंगी शीतलहर।
दक्षिणी तमिलनाडु के कुछ इलाकों में दो दिन जोरदार बरसात की संभावना, दो दिन केरल के इक्का दुक्का इलाकों में मूसलाधार बारिश का अनुमान, लक्षद्वीप में दो दिन कहीं कहीं हो सकती है तेज बारिश, दो दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में बिजली की चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं, केरल और लक्षद्वीप में दो दिन बिजली कड़कने के साथ तेज हवाओं के हैं आसार। अब आइए जान लेते हैं देश भर की मंडियों का हाल। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा मंडी में सेब का भाव रहा 10,000 रुपए प्रति क्विंटल और सोलन मंडी में इसके सौदे 6,000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। अखनूर मंडी में सेब के सौदे 7,000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए और राजौरी मंडी में भी सेब के सौदे 7,000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। ऋषिकेश में सेब के सौदे 8,000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। और अब आइए चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं ट्विटर प्लेट पर। किसान भाइयों बहनों, हमारे आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में केवल इतना ही। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के लिए अगर आप अपने कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। और अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है krishidarshandk@gmail.com। तो आज के लिए केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।